हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके घर के चैनल लब्बी स्टोर पे। तो आज मैं टॉपिक में बात करने वाला हूँ, पहले भी बात कर चुका हूँ, दिस पर्सनली प्रॉब्लम। भाई ये प्रॉब्लम देखिए, अगर यूसी या ओपेरा से चलाओगे तो कुछ इस तरह से दिखता होगा, और मेन ब्राउजर से चलाने पे इस तरह से शो होता है। इस पर होता क्या है कि हम लोग भाई किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट जाता नहीं है। अब रीज़न इस पर देखो, दोनों साइड की गलती होती है। नहीं, कई लोगों का ऐसा रहता है ना कि भैया रिक्वेस्ट तो बहुत आ रहे हैं, रिक्वेस्ट बहुत आ रहे हैं लेकिन फॉलोवर नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, एंड इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब किससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में एक वीडियो बनाया हूँ, लेकिन इसके डिटेल में पूरा डिटेल इस वीडियो पे दे रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पर्सनली प्रॉब्लम कब होता है, देखिए जैसे मैं शुरू से ही आपको बताता हूँ कि अपने फ्रेंड लिस्ट जो है, आपको जो फ्रेंड लिस्ट है इसको कभी एक जगह स्थिर मत रखिएगा। अगर तीन दिन तक एक ही जगह रहेगा, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए फोर के फ्रेंड है आपका और कंटिन्यू तीन दिन तक रहेगा, तो आपको भी पर्सनली प्रॉब्लम आ जाएगा। मतलब इससे नुकसान आपका कैसा होता है बताता हूँ। आपको कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है, यहाँ से मान लीजिए रिक्वेस्ट भेज रहे, जब पर्सनली प्रॉब्लम रहेगा तो सेंड ही नहीं होगा, ना फॉलोअर बढ़ेगा आपका। तो आपको करना क्या चाहिए इससे बचने के लिए, सीधी से सिंपल सा वे है कि आप अपना जो फ्रेंड लिस्ट है इसको डेली 40 से 50 अप डाउन कीजिए। अप डाउन कैसे करना है, इसके लिए आपको करना चाहिए कि भाई 40 मतलब डेली कुछ बंदों को रिक्वेस्ट भेजो, ताकि भाई रिक्वेस्ट भेजने या एक्सेप्ट करो दोनों से। भाई देखो, एक्सेप्ट करने से सबको पता है कि फॉलोअर थोड़ा सा कम होता है, भेजने से कम नहीं होता है। तो आप ज़्यादातर डेली कम से कम 40 से 50 रिक्वेस्ट भेजा करो। भाई जाहिर सी बात है, इससे ये होगा ना कि सामने वाले आपका भी फॉलोअर ग्रो होगा, उनका भी फॉलोअर ग्रो होगा, किसी का रिक्वेस्ट तो डिलीट करना नहीं है, फॉलोअर भी ग्रो होगा और जो फ्रेंड ऐड करेंगे आपके जो फ्रेंड लिस्ट है ना उसको एक्टिव कर देगा, जिससे आपको पर्सनली प्रॉब्लम नहीं देगा और आपके फॉलोअर अच्छे खासे ग्रो करेंगे। आप लाइक देख ही रहे हो यहाँ, देखिए रिफ्रेश कर लेते हैं। आपको पता ही है कि भाई सुपर फास्ट टाइमलाइन है और अभी 3 बज रहे हैं, और लाइक से भी चेक करते हैं सिंगल फोटो का, इसे देखिए इस पर देखते हैं, और 1 क्लिक लाइक आप देख ही रहे हो 52 और 180 188। चलिए नीचे वाले को देख लेते हैं, इसको चेक करते हैं, गुड इवनिंग जस्ट नाउ है, और लाइक आप चेक करके देख लो 210 221। लाइक अनलिमिटेड लाइक आती है इस टाइमलाइन पे, और यहीं एक दूसरे को रिक्वेस्ट आपको भेजना है, कम से कम 1.5 के यहाँ से फ्रेंड बनानी है। और इसके बाद जो वीडियो बताऊंगा ना, टोटल डिटेल रहेगा उस पे कि फॉलोअर कैसे ग्रो करना है। और चलो पर्सनली प्रॉब्लम का एक और, भाई मैं अभी तक जितना एक्सपीरियंस उसके हिसाब से क्या निकला है बताता हूँ। पर्सनली जो प्रॉब्लम रहता है ना, 4700 फ्रेंड जैसे हो जाते हैं आपके, उसके बाद ही जनरेट होता है पर्सनली प्रॉब्लम। तो आप ध्यान दीजिएगा कि फ्रेंड लिस्ट को अगर 4700 होंगे उसके साथ 200 या 100 ऐसे अनफ्रेंड कर दीजिएगा, तो इससे पर्सनली प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। और रिक्वेस्ट डेली कम से कम 40 से 50 रिक्वेस्ट भेजा करो, एक दूसरे को भेजा करो, एक्सेप्ट करो, लेकिन अगर जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से करना, नहीं तो फिर रिक्वेस्ट ज़्यादा भेजा करो, इससे आपके फॉलोअर कम नहीं होंगे एंड पर्सनली प्रॉब्लम से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। तो ये टॉपिक था खास स्पेशल, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जल्दी। और जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, क्योंकि रियल एक्सपीरियंस हर जगह नहीं मिलती है। थैंक्स टू वॉच, आइए टाइमलाइन पे एक दूसरे को लाइक करते हैं, यहीं से रिक्वेस्ट भेजते हैं और यहीं से एडिंग होती है। यहाँ पर देख रहे हो आप अच्छे अच्छे फ्रेंड, मेरे फ्रेंड लिस्ट के बंदे सब सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी ऐसा फैमिली का हिस्सा बने। थैंक्स टू वॉच।